मेरे लिए अच्छे खाने की व्यवस्था करवा दीजिए। तो राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है, आपको जाकर खाना नहीं पता, आपके लिए कल से अच्छा अच्छा खाना व्यवस्था हो जाएगी। तीसरे कहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, बोले कि मेरे को नीचे यहाँ टूटी टूटी जमीन, मेरे को नींद नहीं आती है, आप मेरे लिए गंदक का गद्दा उसकी व्यवस्था करवा दीजिए। तो बोले ठीक है आपका भी हो जाएगा। चौथे कहते हैं बाल लाई, वो सोचा तो बोला कि मेरे को तो इस जेल से ही प्रॉब्लम है, इस जेल से ही मेरे को प्रॉब्लम है, जेल नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इस जेल से ही मुझे निकलना है। इसी प्रकार मैंने भी यही सोचा कि संसार में रहोगे ना, आज ये प्रॉब्लम आज वो प्रॉब्लम आज ये प्रॉब्लम, ये सब सुख देखने के लिए जाते हैं, यहाँ पर सुख मिलेगा, यहाँ पर सुख मिलेगा, यहाँ पर सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता कहीं नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख है। उसी तरह चौथे कैदी की तरह इस संसार को छोड़ूंगी ना, यानी उस जेल को छोड़ेगी तो उसको दुख के सुख ही सुख मिलेगा। उसी प्रकार मैं इस संसार को छोड़ूंगी तो मेरे को परम सुख मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसके लिए संयम पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा। उसी प्रकार हम चारों बहनें संयम पथ की ओर अग्रसर होगी, यहाँ पर हमको सुख ही सुख मिलेगा। और हमारी दिशा त्रयोदशी 3 मई को है, लेकिन पंचानी का मौसम रखा गया है, आपको पंचानी का मौसम में पूरा पूरा सबको आना है और पकड़ना है। जैसे प्रदीप अंकल ने हमको यही शिक्षा दी, उन्होंने ये दिया यूनिटी और राइट है, और उसके लिए आप हम सबको ऐसा आशीर्वाद दो, इसलिए हम सब आपको आशीर्वाद ही मांगते हैं, ऐसा आशीर्वाद दो कि वो इस शिक्षा का पालन कर सके